गुरदासपुर विच अपाइज एसोसीएशन दा एक वफद अपनियां मंगां नूं लै के CDPO दफ्तर पहुंचिया। इस मौके ते उन्होंने CDPO कोमलप्रीत कौर दे नाल अपनियां समस्यावां नूं लै के गलबात कीती। उन्होंने मांग कीती कि जिन्हां बजुर्गां दी पेंशन नहीं लगी उन्हां दी जल्द तों जल्द पेंशन लगाई जावे अते सफर करन दे लई उन्हां दे बस पास बनाए जाण। इस तों इलावा उन्होंने कहा कि बजुर्गां दा UTID कार्ड बनाया जावे अते जिला कंपलैक्स विच उन्हां दे लई व्हीलचेयर अते बैठण दे लई खास प्रबंध कीता जावे। इस संबंधी CDPO ने कहा कि बजुर्गां दीआं समस्यावां जल्द हल कीतियां जाणगियां अते जो भी सरकार वल्लों उन्हां नूं सहूलतां आउंदियां हन उह उन्हां तक जल्द पहुंचाईयां जाणगियां। सर जी, मैडम जी, साडे नाल गल होई आ वी जो साडे पेंशन बारे असीं जानकारी कराया, साडे जिहड़े अंगहीन होण ते पेंशन जिहड़े ते नहीं लगियां, हुण जे पेंशन लगाईआं UID कार्ड जिहड़े बणाए जाण ते जो साडे प्रॉब्लम आउंदियां सानूं वी दस्सियां वी जिस तरह साडे बस पास बनाउणे, रेलवे पास बनाउणे लई जां साडे अंतोदया कार्ड स्कीम राहीं कणक जिहड़ी साडी कैटल राशन मिलदा उहदे राहीं वो सारियां उन्होंने जाणू कराया तो उन्होंने सानू आश्वासन दवाया आने वाले समय तुहानू हैंडीकैप जिहड़े कोई प्रॉब्लम नहीं आने जाए उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, पेंशन मिलवाईया जाएंगी, दो उन्होंने राशन पानी जो भी सरकार नवी सहूलत आएंगी वो तुहाडे तक पहुंचाई जाएंगी। हाँ जी, पासिंग साढ़े बने तो ने अं बाकी जे साडे मैंबर उन्होंने बनाने नहीं अं बना लेते हैं तो अं कि दूर नेड़े जाना तो सानू जी ट्रेन के साडा किराया नहीं लगता कोई कार्ड दसने तो साडे कार्ड जिहड़े चलते हैं सरकार वालों सहूलत है। हाँ जी, सरकार सानू सहूलत बस पास की भी है, रेल पास भी है, फिर जिन्होंने पता है वो बना ले, जिन्होंने नहीं पता तो उन्होंने अं मिल के उन्होंने जरूर बना रहे कि अपने जो होर भी ने जिदा 100% ने उन्होंने बच्चों की पेंशन नहीं लगी दी गई थी वो सरकार वालों मिलती है तो उन्होंने लगाने वास्ते असं फार्म दो जन अपलाई कराए हैं तो होर भी कई सहूलत ने साड़िया सरकार वालों वो अं अपने बंदे जे जिन्होंने नहीं मिल रही उन्होंने मतलब कि लगाने वास्ते जानकारी लवेंगे कि डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर फिर उन्होंने दसागे जी तो वो सहूलत सारिया दवावे। बस का किराया किराया भी कितने माफ है? हाँ जी, बस कार्ड बनते हैं पर कई बसों से चल जाता जी, कार्ड कई नहीं चलता। सरकारी बसा चलता? हाँ, सरकारी चलता है ना, सरकारी हॉस्पिटल में है जी अपने जीन वाल बबरी ना, इतने सारिया बिल्डिंगा रैंप बना चुके हैं पर व्हीलचेयर कोई नहीं है जी। हाँ जी, हमारी मंग है जी साढ़े बंदे जो सरकारी दफ्तर से कोई भी काम करवा आते हैं तो पर दफ्तर के बाहरों ही वेब आके मुड़ जाते क्योंकि अंदर ही नहीं आ सकते, कोई ना कोई सहूलत इतने होनी चाहिए भी व्हीलचेयर हो, व्हीलचेयर फड़ाने वाला बंदा होना चाहिए इतने सिक्योरिटी गार्ड वो फड़ावे अपने दफ्तर जो नंबर उन्होंने दसया जाए भी आह कमरे तेरा काम हो सकता, अवल तो बोर्ड लगे चलो कमरा नंबर तो लिखा वा कमरे से पुछ पुछ के चल जूगा जी, पर यह भी जो व्हीलचेयर होएगी तो अंदर आवा थोड़ा सौखा हो जाएगा। हाँ जी, सौखा हो जाएगा। हाँ, मैं कई बार मैं बाहरों मुड़ के चल जाता जो मैंने कोई बंदा नहीं इतने काम वास्ते लगता जी। ये गल तुम मैडम दसी? नहीं, मैडम ने नहीं दसी क्योंकि ये DC साहब डिप्टी कमिश्नर साहब कर सकते हैं, उन्होंने वर्कशॉप नंबर से लेके पवाया। हाँ जी, सानू पंजाब गवर्नमेंट की मिलती हैगी है 1500 रुपया जी कि पहले सानू मिलती ही 250 रुपये पर मंथली, बाद 500 रुपया हो गई लेकिन हूँ सानू 1500 रुपया दिती जाती है तो साड़ी सारे यही मंग है कि सानू जी सेंटर वालों जी पेंशन जी वो मुहैया करानी चाहिए सरकार ने, वो साढ़े पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आ जाके साड़ा जिहड़ा सिस्टम हैगा पेंशनां ते ही अपना डिपेंड है सर, आपां कोई कम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पेंशन का सहारा सानूं सरकार वल्लों मिलता है तो उहदे नाल साड़ा जिहड़ा अपना थोड़ा बहुत जिहड़ा हैगा वो खर्चा जिहड़ा मतलब चल जाता है। मेरा नाम है कोमलप्रीत कौर और मैं एज ए CDPO गुरदासपुर काम कर रही हूँ। अज साढ़े को डिसेबिलिटी एसोसीएशन के जोड़े मैंबरस ने वो साढ़े को आए थे और उन्होंने सानू जड़िया भी डिसेबिलिटी जोड़े साढ़े को डिसेबल्स है उन्होंने जड़िया भी प्रॉब्लम्स आदि ने उन्होंने प्रति जाणू करवाया क्योंकि साढ़ा डिपार्टमेंट जोड़ा है वो डिसेबल्ड परसन के वास्ते हर थान पर सहाई है उन्होंने पेंशन प्रोवाइड करवाते हैं तो उन्होंने असं जड़िया भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कीतिया ने तो उन्होंने असं यह कहा है कि जोड़िया भी प्रॉब्लम्स अगे तो आने असं उन्होंने हल करांगे, जिन्हां दी पेंशन नहीं लगियां हैगियां उन्हां दे पेंशन लगवावांगे और जिन्हां दे UDID कार्ड्स नहीं बने हैगे उन्हां दे कार्ड्स बनवावांगे और जिहड़ियां भी मुश्किलां आउंदियां हैगियां ने असीं एसोसीएशन दे नाल मिल के जिहड़ी उह हल करांगे ताकि उन्हां नूं सारे जिहड़े बेनीफिट्स पंजाब सरकार वल्लों दित्ते जा रहे ने उह उन्हां तक पहुँचदे हों बणन। नवीं सरकार वल्लों भी कोई उपराले कीते जा रहे है इहनां लोगों वास्ते? नवीं सरकार वालों जोड़े फिलहाल जोड़े भी अगर अनाउंसमेंट्स हो सारिया जड़िया ने डिपार्टमेंट के वालों दस दिखाई जाएगियां, बाकी पेंशन की स्कीम जी पहले चलती पी सी वो चलती पी हैगी होर भी पेंशन जग रही तो केस
जी बिल्कुल पेंशन लग रही ने साढ़े को इलावा अपंग पेंशन तो इलावा बुढ़ापा पेंशन हैगी है जो फिर साढ़े को विधवा पेंशन आश्रित बच्चों की पेंशन हैगी है तो जेडे भी बेनीफिशरीज इन्हों के अंडर फॉल करते हैं उन्होंने सारे असं पेंशन लगाने तो किन्ने परसेंट जो हैंडीकैप्ट है जिन्होंने पेंशन जी अलाव है सरकार 50% जेकर हैंडीकैप्ट होंगे है तो उन्होंने पेंशन जी सरकार वालों दी जाती है और इन्हों का किराया माफ वास्ते भी कोई फिलहाल इन्हों बेनीफिट्स मिल सकते हैं इन्हों बेनीफिट्स देखो जेकर UDID कार्ड्स है तो पेंशन लग सकती है उस अलावा जेकर 100% कोई हैगा कोई मेल मैंबर जेकर डिसेबल हैगा तो उन्होंने बच्चों की पेंशन भी लग जाती है क्योंकि 100% डिसेबिलिटी के नाल काम नहीं कर सकते इस तो इलावा इन्हों की जी जॉब्स वगैरह है अलग अलग क्राइटीरिया है जिन्हें इन्हों जे मौके मौके पर जोड़े ने गवर्नमेंट वालों बेनीफिट दिए जाते हैं। द स्टैलन जिले गुरदासपुर तो लवप्रीत खुशीपुर की रिपोर्ट।